जी नमस्कार, आप सभी की एक और नई स्ट्रैटेजी की वीडियो में स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को निफ्टी या बैंक निफ्टी में कैसे यूज कर सकते हैं और उसको यूज कर करके एक अच्छा प्रॉफिट कैसे हम लोग जनरेट करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल होगा 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग कैसे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे। तो इसकी सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं तो आपको स्ट्रैटेजी समझने में बहुत ही आसान होगी कि किन किन चीज़ों को हमें ज़रूरत है इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम हम लोग जो यूज करेंगे वो 1 मिनट का होगा, और इसमें आपको 3 मूविंग एवरेज आपको यूज करने होंगे। फर्स्ट 10 EMA, उसके बाद 20 EMA और उसके बाद 30 EMA। 3 मूविंग एवरेज हम लोग को यूज करना है और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो यहाँ पे हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं हर स्ट्रैटेजी में ये बताता हूँ कि सबसे पहले आपको ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस स्ट्रैटेजी में 30 EMA आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कर करके देगा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। जब ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे 50% आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ जाती है इन योर ट्रेड में। कैंडल नॉर्मल होना चाहिए, जापानीज कैंडल, और आपका कैंडल का कलर आपका कोई भी हो, ग्रीन बने या रेड बने, डजंट मैटर, सभी पे ये काम करेगा स्ट्रैटेजी। और यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ सेलिंग के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सेल के लिए है। बाइंग के लिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बाइंग कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर मिक्स कर देंगे तो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएँ। तो मेरी अटेंशन है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे लाइव एक्सप्लेन कर करके दिखाता हूँ और बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कितना पावरफुल है और कैसे काम करता है। ये 100% टेस्टेड स्ट्रैटेजी है और आपको 90+ आपको इस स्ट्रैटेजी में एक्यूरेसी मिलने वाला है। तो हम लोग चलिए चार्ट पे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चार्ट पे मैंने 3 EMA को प्लॉट कर रखा है, लगा रखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम रहेगा। इसको हम लोग 1 मिनट पे हम लोग यूज करेंगे क्योंकि 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। और इसको अगर हम लोग पहले रिक्स एंड रिवार्ड की बात कर ले तो इसमें रिक्स एंड रिवार्ड 1:2 का होगा। देखिए, स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि हम बहुत कम पॉइंट के लिए जाएँ, लेकिन स्कैल्पिंग में क्वांटिटी ज़्यादा होती है और टारगेट जो होते हैं वो कम पॉइंट्स के होते हैं, जो कि बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं। अगर कम पॉइंट्स के लिए, अगर हम लोग कम पॉइंट्स के लिए एक अच्छे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं तो वो उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। स्कैल्पिंग आप ऐसे नहीं है कि आप इसको तुरंत कर लेंगे, इसको सबसे पहले आपको बैक टेस्टिंग करना होगा, क्योंकि ये मेरी जो स्ट्रैटेजी है ये बैक टेस्टिंग, मैंने बहुत मंथ से इस पर बैक टेस्टिंग किया हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बैक टेस्टिंग करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसा रिजल्ट देता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक 10 EMA, 20 EMA और 30 EMA, यानी 3 EMA यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट है। जो ऊपर वाला ब्लैक कलर का है ये 30 EMA है, जो रेड वाला है वो 20 EMA है, और जो ब्लू वाला है वो 10 EMA है। इसमें क्या होगा कि जो 30 EMA है, जो ब्लैक कलर का मूविंग एवरेज है, वो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देगा। ट्रेंड मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कर 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 देगा। जब भी मैं इसमें सिर्फ सेलिंग के लिए बता रहा हूँ, तो सेलिंग के लिए सिर्फ समझेंगे कि जब भी 30 EMA के नीचे कैंडल फॉर्मेशन होता है और क्लोजिंग होता है तो हम ये समझेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो निगेटिव है, और इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग के बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि इसको ट्रेड करेंगे। और
जब इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होता है बनने के लिए, तो हम लोग वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग होने के लिए। और जो 10 और 20 मूविंग एवरेज हैं उनको हम लोग दोनों का क्रॉस ओवर जब होगा, तो जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर होगा उस कैंडल पे हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। और अगर जहाँ पे 3 कैंडल का क्रॉस ओवर होता है तो वो गोल्डन क्रॉस ओवर माना जाता है, वो आपको 101% काम करेगा जहाँ पे 3 कैंडल का क्रॉस ओवर होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सेलिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं हो गया और यहाँ पे कैंडल देखेंगे तो ये 30 EMA के नीचे क्लोज हुआ है, और इसी कैंडल पे 10 और 20 यानी कि रेड ब्लू मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ है। तो हम लोग का जो सेलिंग ट्रिगर होता है इस कैंडल के लो पे ट्रिगर होगा, और इसके प्रीवियस कैंडल के हाई पे हम लोग का SL प्लॉट होगा। रिक्स रिवार्ड हम लोग का 1:2 होगा। अगर 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 20 रुपये का हम लोग प्रॉफिट लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी लो को मार्क कर देंगे एक हॉरिजेंटल लाइन से। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन से मार्क कर दिया और इसको लो पे ही हम लोग क्या करेंगे कि सेल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसकी प्रीवियस कैंडल की हाई को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 43 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 86 रुपीस का मिनिमम, क्योंकि 1:2 का हमें रेशियो लेकर के चलना है। जैसे कि 10 ट्रेड में से मान लीजिए कि हमें 5 ट्रेड भी अगर प्रॉफिट मिले तो मैं प्रॉफिट में रहूँ, लेकिन जो टारगेट है हमारा यहीं पे टारगेट अचीव हो चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरा अगर यहाँ पे अगर लो की मेजर करें तो उस हिसाब से वहाँ पे 1:5 तक 1:6 तक यहाँ पे हम लोग का रिटर्न मिल चुका है विथ 14 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ 43 रुपीज़ के। और हमें यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर और कैंडल का क्रॉस ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैंडल का क्रॉसओवर हुआ है, जो कि 10, 20 और 30 और 20 का यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, और इसके नीचे प्राइस यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया है। तो हमारा जो सेल ट्रिगर होगा, सेल ट्रिगर यहाँ पे इस कैंडल की लो पे होगा और इस कैंडल की प्रीवियस हाई पे हमारा SL प्लॉट होगा। और यहाँ से भी आप देखेंगे तो देखेंगे कि वन वे यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में आपको डाउन साइड की मोमेंटम देखने के लिए मिला है, जो कि 1:2 से बहुत ज़्यादा है। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी को जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे और उस पर बिलीव नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखें कि उस इसमें कैंडल के क्रॉस ओवर के बाद ही ट्रेड लेना है। और देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली है, यहाँ पे कैंडल का तीनों कैंडल का क्रॉसओवर हुआ है, तो ये गोल्डन कैंडल थी, गोल्डन क्रॉसओवर हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है, इसके लो पे हमारा सेल ट्रिगर होगा और इसके प्रीवियस कैंडल पे SL प्लॉट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको अगर मेजर कर करके दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 41 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हमें 113 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग को मिला है। तो 1:3 का यहाँ पे हम लोग का रिक्स एंड रिवार्ड रेशियो हो गया। तो ये स्ट्रैटजी आपको बेहतर रिजल्ट देगा, बस आपको सिर्फ बिलीव करना है और बैक टेस्टिंग करके कॉन्फिडेंट जनरेट करना है कि जब भी इस कैंडल का क्रॉसओवर हो तो हम वहाँ पे बैंक निफ्टी को या निफ्टी को सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैंक के लिए क्या क्या क्रिटेरिया होगा और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।